बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के लिए आज 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली मनोज तिवारी ने बीजेपी मुख्यालय में लिस्ट जारी करते हुए ये कहा कि बचे हुए 13 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों का नया डेथ वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया है। चारों दोषियों को अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इससे पहले मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया था। इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की है। इसरो ने शुक्रवार को संचार उपग्रह GSAT-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। उपग्रह GSAT-30 को 2:35 पर लॉन्च किया गया है। इसे एरियन 5 रॉकेट के जरिए रवाना किया गया है। GSAT-30 को सफलतापूर्वक लॉन्च करना इसलिए भी खास है क्योंकि ये इसरो का इस साल का पहला लॉन्च है। रोहतक में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें संगठन चुनाव पर मंथन किया गया। इस दौरान सुभाष बराला, सुरेश भट्ट समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने महापंचायत के फैसले को सराहा। सुभाष बराला ने कह दिया कि खाप पंचायतों का अतीत समृद्ध है। महापंचायत के फैसले की सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने यह कहा कि इस फैसले को सबको सम्मान करना चाहिए। जिनमें हुई महापंचायत पर पूर्व कृषि मंत्री उपेंद्र धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जाट समाज और अभिमन्यु परिवार को शुभकामनाएं दी। सीआईडी विवाद पर उपेंद्र धनखड़ ने कहा कि सीएम गृह मंत्री का विवाद सार्वजनिक नहीं होना था और यह भी कहा कि सीएम को मंत्रियों को विभाग देने का पूरा अधिकार है। इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। और वहीं इस दौरान हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बलराज कुंडू ने मनीष ग्रोवर पर जो आरोप लगाए वो गलत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी सवाल उठाए। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही जिसके चलते हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। हरियाणा में इनेलो को बड़ा झटका लगा। इनेलो के जस्सी पेटवार ने इनेलो को छोड़कर कांग्रेस में आस्था जताई। जस्सी पेटवार ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में शामिल होने का ऐलान खुद किया। दरअसल इनेलो युवा इकाई के अध्यक्ष हैं जस्सी पेटवार, जो कि अब इस्तीफा अपना इनेलो से दे चुके हैं। नारनौल से इनेलो के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। पंचकुला हिंसा मामले में पंचकुला कोर्ट ने 10 आरोपियों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने हिंसा के मामले में दर्ज FIR नंबर 363 में 10 डेरा समर्थकों को बड़ी राहत दी। एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट ने इस मामले में 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह भी आपको बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा भड़क उठी थी जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई थी। इस मामले में पंचकुला के सेक्टर 5 के थाने में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ था लेकिन अब सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हिसार के गो अभ्यारण्य में 500 से ज्यादा गायों की मौत होने का मामला सामने आया जहां पर ठंड और चारा न मिलने के कारण गायों की मौत हुई। अब इस मामले में लोगों ने भी अभ्यारण्य पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। इस मामले में लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग उठाई गई। इनलता भेज चौटाला ने अंबाला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए भी कहा। इस दौरान अभय चौटाला ने शराब के ठेकों को लेकर मांगे गए रेजोल्यूशन को ढकोसला बताया और अभय चौटाला ने सीआईडी को लेकर कहा कि सीआईडी गृह मंत्रालय का अंग है तो उसे अलग क्यों किया जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान पर अभय चौटाला के माफ कीजिएगा
अभय चौटाला ने यह भी कहा कि कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें तकलीफ है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनकी तस्वीर हटा दें। जिनमें पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने कहा कि सफेदों के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, अधूरे कामों के एस्टीमेट बने रहे हैं, जल्द ही उन पर काम शुरू होगा। दिल्ली चुनाव को लेकर बच्चन सिंह ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनेगी और केजरीवाल को चलता करेगी। भिवानी में सीए के समर्थन में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, इसके लिए हमारे नेताओं ने बहुत प्रयास किए हैं और जो समस्याएं रह गई थी वो सीए के बाद खत्म हो जाएंगी। घनश्याम सर्राफ ने यह भी कहा कि ये कानून देश के नागरिकों के लिए विरोध में नहीं बल्कि उन लोगों के विरोध में है जो घुसपैठिए हैं और हमारे देश में रहकर दूसरे देश को मानते हैं। फरीदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में अज्ञात युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां पर इलाज कराने आए लोगों को अज्ञात युवकों ने जमकर पीटा। अज्ञात युवकों ने इमरजेंसी वार्ड में घुसकर बुरी तरह से लोगों की पिटाई भी की। पूरी वारदात सरकारी अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद होगी। दरअसल अनंतपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ था और झगड़े के बाद लोग इलाज कराने आए थे और उसके बाद ये मारपीट हुई। फरीदाबाद में खबर अभी तक की खबर का असर देखने को मिला है। सरकारी अस्पताल में एक साल में 125 नवजात की मौत खबर दिखाने के बाद अस्पताल में 6 रेडिएंट वार्मर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। बहादुरगढ़ में आरटीए विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर एक महीने से कमर्शियल की गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों को काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनका काम भी अटका। विभाग के अधिकारी सॉफ्टवेयर खराब होने का कारण बताते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों का ना तो अब तक रोड टैक्स भरा गया है और ना ही उनकी पासिंग हुई है, इस वजह से एक महीने से ये गाड़ियां ट्रांसपोर्टर्स के घर पर खड़ी हुई है। सिरसा में 19 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जिला के 1,42,694 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि जिले में पोलियो प्रतिरक्षण खुराक पिलाने के लिए 773 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 2,912 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। चरखी दादरी में पुलिस और हरियाणा रोडवेज के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें बस स्टैंड पर चालक परिचालक और प्रशिक्षुओं को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान रोडवेज और पुलिस अधिकारियों ने होने वाली दुर्घटनाओं से बचने और जुर्माने राशि से बचने के बारे में जागरूक किया। राजधानी देहरादून में पुलिस मुख्यालय में राज्य रेलवे सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक पुलिस महानिदेशक के अगुवाई में हुई। इस बैठक में रेलवे के कई अधिकारियों सहित रेलवे पुलिस ने भी शिरकत की। बैठक में रेलवे स्टेशनों और रेल यात्रा के दौरान कैसे यात्रियों को सुरक्षा दी जा सकती है, इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। फरीदाबाद में लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे अब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुट चुके हैं। खुद जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कौर वर्मा के नेतृत्व में सेक्टर 12 खेल परिसर के अंदर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले कार्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसके चलते जिलों में कई जगहों पर मोबाइल टावर और बिजली की लाइन भी ठप पड़ गई। इसको लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि जहां भी नुकसान हुआ है वहां पर काम शुरू किया जाएगा और जल्द ही सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। यमुनानगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की जान चली गई, जबकि 2 लोग इस मामले में घायल हुए और ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। दोनों घायल को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई गई। रुड़की में किन्नर अपने निजी फायदे के लिए गरीब लड़कों को पैसों का लालच देकर अपने गिरोह में शामिल करना चाहते हैं। उसके बाद वो उन गरीब लड़कों को कुछ दिन तक नाच गाना करवाते हैं और फिर नशीले पदार्थ खिलाकर उनका लिंग परिवर्तन भी करा देते हैं, ये आरोप लगे।
इसी को लेकर कुछ गरीब बच्चों ने अपने किन्नर गुरुओं पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब तक दर्जन से भी ज्यादा लड़कों का लिंग परिवर्तन कर दिया गया। इस मामले में पुलिस अधिकारी चंद्र सिंह बिष्ट ने यह कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंदौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मलाहड़ी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में क्षेत्र की विधायक रीता धीमान बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। यहां पहुंचने पर प्रिंसिपल, स्टाफ और स्थानीय लोगों ने विधायक और उनके बाकी अतिथियों का भी स्वागत किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। हरियाणा में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रचंड ठंड का रूप फतेहाबाद में भी देखने को मिला। लोगों की सुबह घने कोहरे के साथ शुरुआत होती है। स्कूली बच्चे कोहरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर है और वहीं स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा भी लेते नजर आए हैं।